हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है माँ के जादुई मेकअप बॉक्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं माँ के जादुई मेकअप बॉक्स की कहानी। किसी गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या के माता पिता के देहांत के तुरंत बाद उसकी लालची चाची अपनी बेटे के साथ उसके घर पर रहने आ गई थी। लेकिन कुछ ही समय में पूरे घर पर दिव्या की चाची का कब्जा हो गया था और दोनों माँ बेटे ने मिलकर दिव्या को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। फिर एक दिन, सुन दिव्या, आज कोमल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए तो उनके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर तैयार कर ले। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने जरा भी गड़बड़ की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? लेकिन चाची जी, लड़के वाले तो कोमल को देखने आ रहे हैं, इसीलिए आप सारा खाना कोमल से बनवाइए, क्योंकि ससुराल जाने के बाद तो वहां कोमल को ही खाना बनाना पड़ेगा ना। देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कह रही हूँ उतना कर। उसके बाद दिव्या रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। फिर काफी मेहनत के बाद दिव्या ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। लेकिन तभी रसोई घर में एक बड़ा चूहा आ जाता है और मिट्टी के तेल के डिब्बे को धक्का दे देता है। डिब्बे के अंदर मौजूद सारा मिट्टी का तेल खाने से भरे बर्तनों में गिर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में मेहमान भी आ जाते हैं। ये देखिए बहन जी, मेरी बेटी कोमल ने आप सभी लोगों के लिए कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। इन्हें खाने के बाद आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मालती के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर लड़के वाले फौरन खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वो सभी मुंह बनाकर सारा खाना उगल देते हैं। अरे बहन जी, ये सब क्या है? खाने में तो बहुत सारा मिट्टी का तेल भरा हुआ है। आप बेकार में अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रही थी। माँ, इस लड़की को तो खाना बनाना नहीं आता, इससे कभी शादी नहीं करूंगा मैं, चलो यहाँ से। इस तरह लड़के वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। ये देख मालती को दिव्या पर बहुत गुस्सा आता है। क्यों री दिव्या की बच्ची, तूने जानबूझकर खाने में मिट्टी का तेल मिलाया है ना, ताकि मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाए। नहीं नहीं चाची जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। माँ, इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये बहुत ही चालू लड़की है। मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हो रही थी, ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए इसने खाने में ढेर सारा मिट्टी का तेल मिला दिया। अभी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। फिर दोनों माँ बेटी दिव्या को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगते हैं। ये देख दिव्या को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया चाची जी, मैंने आप दोनों के जुल्म बहुत सह लिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप दोनों इस तरह मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये घर मेरे माता पिता ने बनाया था। चलिए आप दोनों इसी वक्त घर को छोड़कर निकल जाइए। दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो दोनों डंडे उठाकर दिव्या की पिटाई करने लगते हैं। देखते ही देखते दिव्या पूरी तरह घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। माँ, लगता है ये हमारे पिटाई से मर गई है, अब हम क्या करें? करना क्या है, इसे बोरे में भरकर पास वाले तालाब में फेंक देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद दोनों माँ बेटे दिव्या को मरी हुई समझकर उसे गांव के पास वाले तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन उसी तालाब के किनारे रहने वाली बूढ़ी औरत ये सब देख लेती है और फौरन तालाब में उतरकर दिव्या को बाहर निकाल लेती है। वो बूढ़ी औरत दिव्या की माँ की सहेली थी। फिर थोड़ी देर के बाद दिव्या को होश आ जाता है। दिव्या उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसे रोकते हुए कहती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी चाची और उसकी बेटी को सबक सिखाने जा रही हूँ, ताकि उन्हें घर से बाहर निकाल सकूं। अगर तुम दोनों को सबक सिखाना चाहती हो तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ और मैं जवानी के दिनों में जादू सीखा करते थे। तुम
तुम्हारी माँ के पास जादुई मेकअप का एक बक्सा था। उस मेकअप को लगाने से शरीर में बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी वो मेकअप का बक्सा तुम्हारे घर में मौजूद है। तुम एक बार अपने घर के तहखाने में जाकर तलाश करो। फिर उस बूढ़ी औरत की बात मानकर दिव्या अपनी चाची की नज़र बचाकर चुपचाप घर में दाखिल हो जाती है और तहखाने में जाकर जादुई मेकअप के बक्से को ढूंढने लगती है। तभी उसे कोने में वो मेकअप का बक्सा दिखाई देता है। दिव्या फौरन उसके अंदर से मेकअप निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। फिर अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ दिव्या के शरीर के कपड़े एक परी के कपड़ों की तरह सुंदर बन जाते हैं और साथ ही उसके हाथ में एक जादुई झाड़ू प्रकट हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं अभी जाकर उन दोनों माँ बेटी की खबर लेती हूँ। उसके बाद दिव्या जादुई झाड़ू लेकर मालती और कोमल के सामने पहुँच जाती है। अरे माँ, इसे तो हमने मारकर तालाब में फेंक दिया था, ये बचकर वापस कैसे आ गई? मैं तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा देने आई हूँ। इतना कहकर दिव्या अपनी जादुई झाड़ू से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दिव्या बेटी छोड़ दे। अरे बस कर, मुझे तेरी मार बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। इस तरह दिव्या दोनों को पीट पीट कर अपने घर से बाहर भगा देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों दोबारा दिव्या को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती और दिव्या अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, माँ के जादुई मेकअप बॉक्स की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए और हमेशा उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर उनका सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।